नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे। पब्लिक टुडे की इस विशेष रिपोर्ट की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेट्स अपडेट सबसे पहले मिल पाए। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आज मोदी सरकार बन चुकी है एक बार फिर से इंडिया के अंदर, और जैसे ही मोदी सरकार बनी वैसे ही आज जो है मोदी सरकार के काफ़ी बड़े लीडरों ने और खुद मोदी जी ने अपने नाम के पीछे से चौकीदार शब्द को हटा लिया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं राइट के अंदर अरुण जेटली, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, जो अपने नाम के पीछे कुछ दिन पहले चौकीदार लगाया था वो आज चौकीदार शब्द हट गया है। और इसके पीछे का जो रहस्य है हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर चौकीदार शब्द क्यों हटाया गया है। क्योंकि दोस्तों चौकीदार शब्द लगाने के पीछे था कांग्रेस को हराने का मकसद। कांग्रेस को हराने के लिए ही चौकीदार शब्द का यूज किया गया था, और जैसे ही जो है भारी बहुमत से जीत हुई है उसी समय चौकीदार शब्द को हटा लिया गया है। इसके पीछे कोई अन्य बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि ट्विटर अकाउंट पे ओरिजिनल नाम यूज करने होते हैं, ट्विटर अकाउंट के ये टर्म एंड कंडीशन होती है, इसी के मद्देनज़र जो इस नाम के आगे से चौकीदार हटाया गया है। अन्य विपक्षी दल किसी अन्य मुद्दा को लेकर इस बात को मुद्दा बना सकते हैं, तो आप लोग सावधान रहिएगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा।